मॉर्निंग एवरीबॉडी। रिस्पेक्टिव वाइस प्रिंसिपल बंद्रा मैम, ऑल माय डियर स्टाफ मेंबर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते ही हैं कि आजकल स्टूडेंट्स को पर्टिकुलरली ये इस COVID-19 के टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा किस चीज़ से परेशानी, हर चीज़ की परेशानी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, ना स्ट्रेस का मतलब क्या है, तनाव, जो हमें किसी चीज़ के लिए हम सोचते हैं फिर हम उस सोच में इतने डूबते चले जाते हैं कि हमें पता नहीं चलता कि हम क्या सोच रहे हैं और हमारे साथ क्या हो रहा है, स्ट्रेस हो जाता है, दिमाग पे तनाव हो जाता है। अभी परसों की ही न्यूज़ है, 11th की एक स्टूडेंट है, कुछ नहीं पता है या क्या हुआ है, एंड शी कमिटी टू सुसाइड। तो और भी एक दो बच्चे मैंने पहले देखा है, तो ये किस कारण हो रहा है, बच्चे कंटिन्यूसली घरों में बैठे हैं और कंटिन्यूसली बैठने से जो है प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं, हमारी ईटिंग हैबिट्स भी ख़राब हो रही हैं, एक्सरसाइज प्रॉपरली हम नहीं कर पा रहे, तो दिमाग जो है वो ज़रूरी बातों की तरफ से ना से हटकर जो ना ज़रूरी बातें हैं हम उधर अपना ध्यान दे रहे हैं, तो इससे स्ट्रेस जो है वो दिमाग को बहुत ज़्यादा हो रहा है, टेंशन सा हो रहा है, तनाव सा हो रहा है। बच्चे हो रहे हैं आपको नहीं हुआ ना, घर में बैठे बैठे क्या आपने एंजॉय किया क्या, नहीं ना। तो अब ये स्ट्रेस जो है इस टाइम पे बहुत ज़्यादा होने के कारण हमारे गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेल ने कहा है कि स्कूल्स में ये टॉपिक होने चाहिए ताकि बच्चे जो हैं परेशानियों से दूर रहे, हर एक किस्म की जो परेशानी उनके दिमाग में आ रही है वो कम हो। तो हमने कुछ ऐसे टिप्स अपनाने हैं जिससे हमारा स्ट्रेस जो है वो दूर हो, हमारी टेंशन जो है वो दूर हो। तो उसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट जो है मैंने ऑनलाइन क्लासेस में भी आपको बताती रही हूँ टाइम टू टाइम कि टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जब टाइम से कोई काम नहीं करते, एक लेसन हो गया क्लास में, दूसरा हो गया, कहते हो नहीं अभी कर लूँगा, ये करूँगा वो करूँगा, और जब आप वो टाइम पे नहीं कर पाते, समय का प्रबंधन जो है वो आपका सही नहीं है, कब पढ़ना है हमने, कब काम करना है, कब खाना है, कब सोना है, ये वाली आपके टाइम टू टाइम नहीं है, इसका मैनेजमेंट सही नहीं है, तो आपको स्ट्रेस हो जाता है। इसलिए जो भी आप कार्य कर रहे हो वो आपने अपना उसका एक टाइम टेबल बनाकर कार्य करना है, ठीक है। सेकंड चीज़ है, डू नॉट प्रोक्रेस्टिनेट। प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं होनी चाहिए। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब है कि बहानेबाजी नहीं करनी चाहिए। आज आप टीचर बोलता है बच्चे आज आपने ये नहीं किया, नहीं मैम कल करके आऊँगा, है ना जी बहानेबाजी, कल जब अगला नेक्स्ट हो गया फिर नहीं मैम आप आगे करूँगा, तो फिर ऐसे करते करते आपका सारा सिलेबस जो है वो होता जाता है, तो आपको पता ही नहीं चलता अब सारा कुछ हो गया तो लास्ट में करने के लिए कुछ नहीं है, फिर वो बहानेबाजी के कारण जब आपके टेस्ट आ रहे हैं, जैसे आपके कल परसों से यूनिट 3 स्टार्ट हो रहे हैं, तो फिर आपको लगेगा कि हाय मैंने तो कुछ किया ही नहीं, तो इसलिए आपको प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करनी चाहिए, टाइम टेबल का आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट, इस स्ट्रेस से अपने आप को निकालने के लिए आपकी अगर गंदगी होगी उससे भी आपको स्ट्रेस होगा। यहाँ पे आप पढ़ने के लिए बैठते हो, स्टडी टेबल है आपका, चेयर है, बेड है, जो भी है वो आपका साफ सुथरा होना चाहिए। उसके बाद आपको तो आप तो बड़े लक्की हो, आपके आगे पीछे हरियाली ही हरियाली है, इसको वॉच करो, इसको हरियाली को आराम से देखो, स्टेयर करो, सुबह शाम इनकी तरफ देखने से आपका जो दिमाग का स्ट्रेस है ये ऑलमोस्ट ख़त्म होता है। हम भी जब सिटी से बाहर से हम आते हैं, यहाँ आपके शरगाल में आते हैं, हम हरियाली देखते हैं चारों तरफ की, इतनी अच्छा वो वेदर है और क्लाइमेट है, फॉरेस्ट्री एरिया है, तो देखने में बड़ा ही मज़ा आता है, ऑलमोस्ट हमारा टेंशन जो है, स्ट्रेस जो है वो आते ही ख़त्म हो जाता है, ठीक है, आ रही है समझ। इसलिए दिमाग में कोई स्ट्रेस जो है वो आपने
नहीं रखना है, रिलैक्स फॉर सम टाइम। टेंशन को दूर करने का सबसे बड़ा तरीका है कि अपने आप को रिलैक्स करो, थोड़ी देर के लिए रिलैक्स जरूर करो। 24 घंटे अगर आपके हाथ में मोबाइल है, आप मोबाइल के साथ लगे हुए हो, कंप्यूटर है आपके हाथ में, आप उसी के साथ लगे हुए हो, ऐसे ऐसे करके उसको 6-6 घंटे 5-5 घंटे कंटिन्यूसली अगर आप मोबाइल देखोगे। हमने भी पिछले दिनों मोबाइल में जब बहुत ज़्यादा काम किया तो दिमाग में कुछ होता था, तो इससे क्या होता है, स्ट्रेस होता है, टेंशन होती है। तो आपने क्या करना है, 1 घंटा आधा घंटा रिलैक्स जरूर होना है। कंप्यूटर मोबाइल को एक साइड पे रख दो और थोड़ी देर के लिए अपने आप को रिलैक्स फील करो, बिल्कुल आराम से। उसमें आप मेडिटेशन एंड योगा ये भी इन्वॉल्व कर सकते हो। आप थोड़ी देर के लिए योगा करो, मेडिटेशन करो, आंखें बंद करो, आपको नींद नहीं आ रही, स्ट्रेस है, कोई बात नहीं, लेकिन आप फ्री टेंशनली अपनी आंखें बंद करके थोड़ा रिलैक्स करो। जो व्यक्ति अपने लिए टाइम नहीं निकाल सकता, इसका मतलब वो बहुत उसके लिए गलत है। अपने लिए टाइम जरूर निकालो, रिलैक्स करो अपने लिए, ताकि आपको जो स्ट्रेस है वो दिमाग में ना रहे। नेक्स्ट है शेयर योर फीलिंग्स। अपनी फीलिंग्स जो है वो एक दूसरे के साथ हमें ज़रूर शेयर करनी चाहिए। अपना एक सर्कल ऐसा ज़रूर रखो, आपका पर्टिकुलर एक फ्रेंड है, 2-3 हैं, उनके साथ शाम को घूमने के लिए भी निकलो और अपनी बात जो दिल में आपको लग रहा है कि कुछ बात है आपके अंदर जिसके कारण आपको स्ट्रेस हो रहा है, तो आप अपनी बात जो है वो उस व्यक्ति के साथ आपको शेयर करनी है, ताकि दूसरा जो है वो आपको गलत गाइड नहीं करेगा। लेकिन हो ये भी हो सकता है कि वो आपको कुछ ऐसा राइट, कुछ ऐसे सोल्यूशन दे तो आपको लगे कि नहीं यार, ये तो मैं गलत ही सोच रहा था। होता है ऐसे, ऑलमोस्ट नहीं होता है ना, कभी जब हम दूसरे को बात बताते हैं तो हमारे अंदर का स्ट्रेस जो है वो रिमूव हो जाता है, यार उसने तो ऐसे हमें बोला, हम खुद ऐसे ही सोच रहे थे इस बात के लिए। एवॉइड, मेन पॉइंट है जी, एवॉइड बीइंग इन स्ट्रेसफुल कंपनी। यहाँ पे लगता है आपको कि मुझे इसके साथ बैठने से या इस कंपनी के साथ मुझे बैठने से स्ट्रेस हो रहा है, पता नहीं क्या क्या बातें करता रहता है, दिमाग को परेशानी होती है, तो अवॉइड दैट कंपनी, उसका साथ जो है वो छोड़ दो, क्योंकि वो व्यक्ति आज आपको स्ट्रेस दे रहा है वो कल भी स्ट्रेस देगा। तो इसलिए आपको उसकी बातें अच्छी नहीं लग रही, आपको उसकी बातों से स्ट्रेस हो रहा है, दिमाग में परेशानी आ रही है, तो उसका साथ जो है वो आप उसको अवॉइड कर दो। जे नहीं लड़ाई वड़ाई कर दो कि तू जा, मैं तेरे कने बोलना कि नहीं।